अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बुखार का ड्रामा किया तो आर्या मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। गुस्सा तो जान भी होगी जब वो आर्या को बगैर शर्ट के देखेगी मेरे साथ इस बंद कमरे में। आइए सूर्य भैया, इससे दरवाजा खुल जाएगा ना? जी मैम। हाँ जानवी, तुम पूरी रात कमरे के बाहर क्यों थे? होटल के किसी स्टाफ को बोल दिया होता वो आके दरवाजे को खोल देते, मुझे उठा दिया होता, मैं आके खोल देता। जानवी संदी, तुम बताओ ना, तुम पूरी रात बाहर क्यों थी? भोले मत बनिए सर, समझे आप? आपने तो मुझसे साफ साफ कहा था ना कि आप कमरे में तब तक रहेंगे जब तक कियान सो नहीं जाता। तो जब मैं कमरे में आई आप तो सो ही चुके थे। What? मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं उठे। और अब आपको बगैर शर्ट और अनुष्का दी को इस तरह बिस्तर पे देखकर मुझे सब कुछ समझ आ चुका कि आप दरअसल पहले से यही चाहते थे कि मैं इस कमरे से बाहर चली जाऊं और आप और अनुष्का दी इस कमरे में रह जाएं। सीधे सीधे बोल देते सर, मैं आपको छोड़कर चली जाती। जानवी पागल हो गई हो क्या? जानवी कुछ भी बोले जा रही हो तुम। जानवी देख, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। आर्या और मेरे बीच में रात को कुछ भी नहीं हुआ है। आपने मेरे साथ बेवफाई की है आर्या सर। आप क्या कहेंगे? यही बोलेंगे ना आप कि मुझे कुछ याद नहीं? अरे गलती करके भूल जाना तो आपकी खासियत है ना। अरे यार बस यार जानवी बस। I'm sorry. जानवी प्लीज मेरी यकीन करो, trust me, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तुम बात को ना कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो जानवी, प्लीज मेरे यकीन करो। मैं बात को कहीं से कहीं नहीं लेकर जा रही आर्या सर, जो मैंने देखा उसी के आधार पर बोल रही हूँ मैं। मुझे सब समझ आता है। जब तुम्हें पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है? मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखता है आर्या सर, मुझे पता है क्या हुआ। जानवी नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच, कुछ नहीं हुआ ऐसा, प्लीज मेरे यकीन करो। मुझे सुबह सुबह क्या बहस शुरू कर दी तुम दोनों ने? दादाजी मिल गया सुकून आपको? दादाजी हो गया ना जो आप चाहते थे? ज्ञान के असली माँ बाप आखिरकार एक छत के नीचे एक कमरे में रात भर थे। तो क्या मतलब जानवी तुम इस कमरे में नहीं थी? तो सारी रात तुम कहाँ थी? सचमुच तुम कमरे में नहीं थी? नहीं मैं नहीं थी, क्योंकि आर्या सर थे ना अनुष्का दी के साथ। दादाजी जब आपने कियान को ये बोलते हुए सुना कि मैं और आर्या सर दोनों कियान और अनुष्का दी के साथ एक ही कमरे में रहेंगे, तब आपने एक बार भी एतराज नहीं जताया? अरे कियान तो बच्चा है, उसे क्या समझ ऐसे पेचीदे मामलों के बारे में? लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आप इस घर के बड़े हैं, ये जानते हुए भी ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और
आपने ये होने दिया? देख लिया नतीजा, आर्या सर और अनुष्का दी एक साथ इसी कमरे में एक ही बिस्तर पर सारी रात सोए थे। भगवान ही जाने क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये भूलिएगा मत, मैं अंधी नहीं हूं, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ये कि आप सब चाहते हैं कि मैं आर्या सर के साथ नहीं बल्कि अनुष्का दी आर्या सर के साथ रहे, तभी तो आप लोगों ने कोशिश की कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, इसलिए तो आपने होने दिया दादाजी। ये आपकी सोची समझी चाल थी, शर्मानी चाहिए आपको। अरे ये तुम क्या कह रही हो, खराब हो गया? तुम दादाजी से किस तरह बात कर रही हो जानवी? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, अरे मेरा दिमाग तो ठिकाने आ गया है। मुझे अच्छे से पता है एक ना एक दिन आप सभी मिलकर मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दें। अरे क्यों तकलीफ उठाएंगे आप, मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से। दादाजी जानवी के ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज मेरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम ऐसे नहीं जा सकती, गलत है आप सभी। मैं इस तरह यहाँ से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। जानवी, दादाजी जानवी क्या कर रही हो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन इस तरह का धोखा और बेवफाई हरगिज नहीं। जानवी प्लीज मेरी बात सुनो, जो तुम समझ आपको और अनुष्का दी को एक दूसरे के साथ जिंदगी मुबारक हो। मैं आप दोनों के रास्ते से हट रही हूँ, वैसे भी आप दोनों का तो सालों पुराना का नाता है ना। प्लीज बेफिक्र रहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। जानवी प्लीज, मैं तुम्हें कैसे यकीन दूँ? आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं होटल के उसी स्वीट में रह रही हूँ जो आपने अनुष्का दी के लिए बुक की थी। जानवी, जानवी प्लीज। मेरे जाने से आप लोग कितने खुश होंगे ना कि आखिरकार आपके कियान के दोनों असली माँ बाप एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे और जानवी नाम की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। जानवी तुम क्या? अरे मेरी बात सुनो जानवी प्लीज। जानवी जानवी प्लीज 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 मेरी बात सुनो। हैव यू गॉन मैड? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो तुम? सब कुछ छोड़ के जा रही हो? हाँ, मुझे और कियान को छोड़ के जा रही हो? प्लीज बिलीव मी, मेरे यकीन करो, मेरे और अनुष्का के बीच रात को कुछ नहीं हुआ। बिलीव मी, छोड़िए मुझे, क्या यकीन करूँ मैं आपका? सब कुछ साफ साफ पता चलता है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हारे अलावा मैं और किसी औरत को पसंद नहीं कर सकता। जानवी I love you, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मत जा जानवी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।